तो स्वागत है आपका हमारे चैनल लिंक टू माइंड। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर एल्जेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक 7 सिंथेटिक डिवीजन। इससे पहले हमने बात किया हुआ है सॉल्यूशन ऑफ अ मैट्रिक्स, कैसे हम तीन इक्वेशन दिया रहता था हम उसको मैट्रिक्स का सॉल्यूशन करते थे। आज हम जानेंगे अगला टॉपिक सिंथेटिक डिवीजन। देखिए सिंथेटिक डिवीजन है क्या, ये बहुत ही शॉर्टकट मेथड होता है, किसी भी चीज को हम डिवाइड कर सकते हैं और इसका रिमाइंडर एंड क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को हमने याद रखिए, हम ऐसा इक्वेशन को डिवाइड करते थे, यहाँ पे लंबा चौड़ा प्रोसीजर लगाते थे, फिर हमको यहाँ पे क्वेश्चन मिलता था। लेकिन हम सिंथेटिक डिवीजन से बहुत ही आसानी से किसी भी इक्वेशन को हायर, जितने भी हायर डिग्री हो जाए 6, 7, 8, तो बहुत आसानी से आप डिवाइड कर पाएंगे। अगर आप 6, 7, 8 मिलेगा तो आपको बहुत ही लंबा हो जाएगा आप अगर ये डिवीजन यूज करते हैं। तो इसलिए हम सिंथेटिक डिवीजन लाए, सिंथेटिक डिवीजन से बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डिवाइड बाय दिस लिखा हुआ है, आपको डिवाइड करना है और फाइंड करना है क्वेश्चन और रिमाइंडर। तो हम इसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है सिंथेटिक डिवीजन, और देखिए बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सिंथेटिक डिवीजन केवल यहीं तक सीमित नहीं है, इसके आगे अगले टॉपिक में हम और बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम सेकेंड टर्म को रिमूव भी करते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में देखते हैं सिंथेटिक डिवीजन, देखिए आप उसको कैसे कर सकते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए, सिंथेटिक डिवीजन आपको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहला एक जो प्रोसेस रहता है कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको पहले देखिए कि इसमें कुछ टर्म छूटा थोड़ी है, सब लाइन से है कि नहीं है। 5, 4, 3, देखिए यहाँ पे 2 वाला टर्म नहीं है, तो सबसे पहले आप पूरे टर्म को कंप्लीट कीजिए। कैसे करेंगे देखिए, एक्स टू दी पावर 5 माइनस 3 एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब, देखिए सेकेंड टर्म नहीं है तो आप लिखिए प्लस 0 एक्स स्क्वायर लिखिए, लेकिन सब टर्म को आपको कंप्लीट करना है, कोई भी टर्म छूट ना जाए। याद देखिए 8x माइनस 135, इस तरीके से आप पहले कंप्लीट कीजिए। उसके बाद जो टर्म से डिवाइड करना है, देखिए x माइनस 5 लिखा हुआ है, x माइनस 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब x इक्वल टू 4, आप इसको उधर ट्रांसफर कीजिए। याद रखिए इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं माइनस प्लस में, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा। याद रखिए इसको यहाँ पे अगर आपको इस तरीके से आपको लिखा हुआ है तो आपको ये समझना है कि x इक्वल टू 4 मतलब प्लस 4 से मुझे इसको डिमिनाइज करना पड़ेगा, मतलब इसको डिवाइड करना पड़ेगा। इस टर्म से डिवाइड करेंगे, ये सिंथेटिक डिवीजन का रूल है। देखिए अब इसको आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले जो भी कोफिशियंट है उसको लिखिए। हम लिखेंगे यहाँ पे कोफिशियंट, मान लीजिए 1 है, मैंने 1 लिखा, यहाँ पे माइनस 3 है माइनस 3 लिखा, यहाँ 1 है मैंने यहाँ 1 लिखा, यहाँ 0 है 0, यहाँ माइनस 8 माइनस 8 लिखा, यहाँ है माइनस 1, 1, 3, 5। पहले आप लिख लीजिए जो भी कोफिशियंट है, लाइन से लिख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कोफिशियंट आपने लिख लिया। अब आपको यहाँ पे देखिए जो टर्म लिखना रहता है जिससे आपको डिवाइड करना है उसको, अगर x आपको x इक्वल टू 4 मिलता इस तरीके से मिल सकता था, या किसी भी टर्म से डिवाइड लिखा है तो इसको आप इक्वेट कर लीजिए। इसको x माइनस 4 लिखा है तो इक्वेटेड टू 0 कीजिए, फिर x इक्वल टू 4 ये वैल्यू निकाल लीजिए। अब इस वैल्यू को आप क्या कीजिए, यहाँ लिखिए, हमने निकाला यहाँ पे निकला 4। डिवाइड करने का ये रूल है, किसी भी आपको मिलेगा इसको डिवाइड कीजिए, क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड आउट कीजिए। आप ये आपने वैल्यू लिखा, यहाँ लिख लिया ये टर्म जो थे पूरे टर्म को कंप्लीट करने के बाद। अब देखिए क्या करना है, 4 × 1 = 4 और यहाँ पे लिखना है 4। याद देखिए ये टर्म को ध्यान दीजिए, 4 × 1 = 4 यहाँ लिखिए 4 पहला, तो यहाँ पे अब इसको ऐड कीजिए, ये हो जाएगा एडिशन, क्या बचेगा 1, आपको यहाँ क्या बचा 1 बचा। 4 × 1 = 4 अब यहाँ लिखिए, ये हो गया 4, यहाँ करेंगे आपको मिलेगा 5। देखिए ये टर्म को समझिए, 5 × 4 = 20 यहाँ लिखिए 20। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन रिमाइंडर आएगा। देखिए 20 यहाँ बचा हमारे पास 20, वहाँ कीजिए 80 मिलेगा आपको, फिर 20 × 4 = 80 यहाँ बचा हमारे पास क्या बचेगा प्लस 72, इसको क्योंकि प्लस ही है सब प्लस है। यहाँ देखिए आप ऐड करते हैं, इसको माइनस सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, ऐड करते हैं तो मिलेगा माइनस सेवेंटी टू इंटू फोर क्या हो जाएगा 4 × 2 = 8 हो गया, ये हो गया 2, 8, 7 = 4 मतलब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिला, ये मिला माइनस। अब इसको आप ऐड कीजिए, इसको ऐड करने के बाद आपको इसको ऐड करेंगे आप क्या मिलेगा देखिए, ये तो प्लस था ना, सॉरी ये प्लस था हमारे पास तो ये भी प्लस ही आएगा। अब देखिए क्योंकि प्लस है तो ये भी प्लस आया, मल्टीप्लाई करने पर आया, इससे माइनस करने पर आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको 3, 5, 1, 153 आपको मिल गया। अब देखिए दोस्तों आपको क्या लिखना, क्या देखिए समझिए, यहाँ पे कितने टर्म आ गए हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5 टर्म आ गए हमारे पास, ये पावर इसका क्या है 5 है, ठीक है। अब देखिए अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5,
यहाँ पे हमारा वन तो है ही, जो वन है ये तो वन रहेगा ही रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो लास्ट टर्म आता है, ये याद रखिए, ये जो लास्ट टर्म आता है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। ये जो लास्ट टर्म आता है ये इक्वल टू रिमाइंडर हो गया, जो लास्ट टर्म बचता है हम इसको कहते हैं रिमाइंडर कहते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, ये हमारा ये हो गया x, x स्क्वायर हो गया x क्यूब x पावर 4। अब देखिए आपको कैसे लिखना, कैसे देखिए, ये जो हमारा ये तो 1 है, ये देखिए ये हमारे पास 1 बचेगा। इसको आप अक्सर लिखना भूल जाते हैं, लेकिन आप इसको भूलिएगा नहीं, किसी भी स्टेप पे मत भूलिएगा। अब देखिए ये टर्म हमने लिख लिया, ये हमारे पास रिमाइंडर है। अब इस टर्म को आपको लिखना है, ये जो हमारे पास आया है इसको बोलते हैं हमारे पास बी नॉट। आप बोल सकते हैं बुक में ऐसा नाम लिखा मिलता है, ये इक्वल टू होता है बी नॉट, ये होता है बी वन, इसको बोलते हैं बी टू, ये होता है बी थ्री, ये होता है बी फोर, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन आपको मैं बहुत आसानी तरीके से बता रहा हूँ, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट आप लिखिए, कैसे लिखेंगे, देखिए आपने डिवाइड किया x माइनस फोर से, याद रखिए, तो आपको आशा मिल गया होगा कि हमारे पास 4 का पावर का टर्म मिलेगा। तो यहाँ देखिए 1 इंटू 4 एक्स का पावर 4, 1 इंटू ये हो जाएगा x का पावर क्यूब। पहले तो ऐसा लिख ही लीजिए, x पावर 4, x पावर 3, x का स्क्वायर प्लस x और प्लस जो टर्म लिखना है, ये टर्म तो आप लिख लीजिए। अब देखिए आपको यहाँ इसके आगे क्या आएगा, ये डिसाइड करेगा। बी नॉट के साथ ये आया, ये 1 हो गया, ये हो गया, ये भी 1 है, यहाँ पे 5, तो यहाँ मिलेगा 5x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए 20, तो यहाँ मिलेगा हमको 20x, ठीक है। यहाँ देखिए 72, तो यहाँ मिला 72। ये दोस्तों हमारे पास क्या मिल गया, कोशेंट मिल गया। इसको अच्छे से लिखूँ तो यहाँ पे देखिए, अच्छे से लिख के बता रहा हूँ आपको मैं, ये हमारा रिमाइंडर था, ये मिला आसपास x पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 72। ये आपका आया क्वेश्चेंट, और रिमाइंडर जो रहता है हमारा लास्ट टर्म जो रहता है 153। इस तरीके से हम क्वेश्चेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन। बहुत ही सिंपल है, इसके कोफिशियंट लिखिए, पहले पूरा टर्म कंप्लीट कीजिए, कोफिशियंट लिखिए, जो टर्म दिया है उसको इक्वेटेड टू जीरो करके उसकी वैल्यू निकाल के उससे हमको डिमिनाइज करना है, डिवाइड करना है। इसको तो 1 वैसे लिख लीजिए, 4 1 4 1 जा 4 यहाँ पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, नीचे जो आया 4 1 जा 4 यहाँ पुट कीजिए वैल्यू, फिर ऐड कीजिए 5 5 4 जा 20, यहाँ 20 आया, ऐड कीजिए 20 into 4 80, यहाँ ऐड कीजिए, फिर 22 into 4 2 8 8, फिर से सॉल्व कीजिए। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, लास्ट के टर्म को हम क्या कर लेते हैं, रिमाइंडर रख लेते हैं, और शुरू को आपको क्या करना है, पावर 4 से बस लेते जाना, x का पावर 4, 1 इंटू एक्स पावर 4, 1 इंटू एक्स पावर क्यूब, 5 इंटू एक्स स्क्वायर, एक एक टर्म कम लेते जाना है, 20 इंटू एक्स 72, तो क्या बच जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा टर्म। इस तरीके से हम सिंथेटिक डिवीजन से रिमाइंडर एंड क्वेश्चन पता करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी सिंथेटिक डिवीजन के थोड़ा एक्सपेंड फॉर्म में, कैसे हम किसी सेकेंड टर्म को रिमूव करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।